जनपद के खजनी थाना क्षेत्र स्थित भलुआन में घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी को चाकू मार दी, जिसे इलाज के लिए आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खजनी थाना क्षेत्र के भलुआन निवासी धर्मेंद्र सिंह पुत्र लालमन सिंह का अपनी पत्नी पूनम सिंह से घरेलू विवाद हो गया। इस दौरान धर्मेंद्र ने अपनी खाद की दुकान पर पत्नी को बुलाकर चाकू मार दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस ने हत्यारोपी धर्मेंद्र को आला कत्ल चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया और घायल पत्नी पूनम सिंह को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ खजनी इंदु प्रभास सिंह ने कहा, आज शाम 5:30 बजे करीब थाना खजनी पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू मार दिया है। इस सूचना पर खजनी पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान जानकारी में आया कि भलवान गांव के निवासी धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी पूनम को घरेलू विवाद के चलते हदीडीह स्थित अपनी खाद की दुकान पर अपनी पत्नी को चाकू मार दिया है। पत्नी को गंभीर हालत में गोरखपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है।